जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण के एक बहुत छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है क्रिया। क्रिया जिसका मतलब होता है काम। मन में एक प्रश्न होगा, क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया के कितने प्रकार हैं। तो पहले जानेंगे क्रिया क्या है या क्रिया कहते किसे। तो साधारणतः आप जानते हैं कि जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो, जिस शब्द से किसी काम के होने या करने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं, अथवा जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे, जिस शब्द के अंत में क्या लगा रहे, ना लगा रहे, उसे हम क्रिया कहेंगे। जैसे खेलना, हंसना, कूदना, पढ़ना, रोना, खाना, गाना, बजाना। मतलब जिस शब्द के अंत में ना लगा रहे क्रिया कहते, या जिससे किसी काम के करने या होने का बोध हो क्रिया कहलाता है। क्रिया के कितने प्रकार हैं या क्रिया के कितने भेद हैं, तो क्रिया का वर्गीकरण हम दो वर्गों में करते हैं, दो आधार पर करते हैं। दो आधार पर क्रिया का वर्गीकरण किया गया है, पहला रचना के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। क्रिया का वर्गीकरण दो आधार पर किया गया है, पहला रचना के आधार पर, दूसरा प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं। रचना के आधार पर क्रिया के दो प्रकार हैं, पहला अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया। रचना के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, याद रखेंगे। पहला कौन क्रिया है, अकर्मक क्रिया, दूसरा है सकर्मक क्रिया। अकर्मक, अ का मतलब होता है न, अकर्मक मतलब अ का मतलब होता है न, क्रिया माने काम। यहां है अकर्मक, अ का मतलब क्या होता है न, कर्मक माने काम, मतलब कुछ ऐसा क्रिया है जिससे काम नहीं होता है। वह क्रिया जिससे किसी प्रकार का काम नहीं होता है अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब जिससे किसी प्रकार का काम न हो, किसी प्रकार का कर्म न हो, तो जिस क्रिया से किसी प्रकार का काम मतलब कर्म न हो अकर्मक क्रिया कहलाता है। जैसे बालक सोता है, बालक सोता है, वह हाफता है। तो सोना या हाफना कोई काम नहीं, जिस क्रिया से कोई काम न हो अकर्मक क्रिया। और सकर्मक क्रिया क्या है, तो जिस क्रिया से कोई काम हो, जिस क्रिया से कोई काम हो या काम के होने का बोध हो, तो जिससे काम न हो अकर्मक, और जिस क्रिया से क्या हो, कर्म हो, काम हो, तो जिससे कर्म हो या काम हो उसे हम सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे जिससे काम हो उसे सकर्मक क्रिया, काम न हो तो अकर्मक क्रिया। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो क्रिया हो गया राम, काम क्या करे, पढ़ने का। मोहन लिखता है, तो लिखना एक काम है, जिससे काम हो उसे सकर्मक, जिसे काम ना हो अकर्मक। प्रयोग के आधार पर क्रिया के प्रकार की बात करते हैं, तो प्रयोग के आधार पर क्रिया के 6 भेद हैं। पहला है सामान्य क्रिया, तो कहता है जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो, जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे हम सामान्य क्रिया कहते हैं। जब किसी वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग हो तो उसे क्या कहेंगे, सामान्य क्रिया। जैसे वह गया, वह खाया,
वह पढ़ा, यहां एक ही क्रिया है गया खाया पढ़ा, जिस क्रिया से जिस वाक्य में केवल एक ही क्रिया हो उसे हम सामान्य क्रिया के नाम से जानते हैं। दूसरा है सहायक क्रिया, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने में सहायता प्रदान करे, जो मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट करने में हमारी मदद करे उसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब जिस क्रिया से मुख्य क्रिया के अर्थ को प्रकट किया जाए उसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे राम घर जाता है, जैसे इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण होगा राम घर जाता है। तो इस वाक्य में क्या है, जाना क्रिया है, लेकिन राम को जाने में सहायता कौन करता है, घर। राम को जाने में सहायता कौन करता है, घर। यदि घर नहीं होता तो राम नहीं जाता। तो जो मुख्य क्रिया को सहायता प्रदान करे उसे हम सहायक क्रिया के नाम से जानते हैं। संयुक्त क्रिया तीसरा है, संयुक्त क्रिया। तो जब एक ही वाक्य में दो क्रिया हो, जब एक ही वाक्य में दो क्रिया मतलब दो गो काम हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब जब एक वाक्य में कितने क्रिया हो, दो क्रिया हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे वह रामायण पढ़ चुका, जब एक ही वाक्य में दो क्रिया हो तो उसे हम संयुक्त क्रिया कहेंगे। जैसे वह रामायण पढ़ चुका, संयुक्त का मतलब होता है मिला जुला, ऐसे भी आप जानते हैं। जब एक ही वाक्य में दो क्रिया हो क्या कहेंगे, संयुक्त क्रिया हो गया। यहां पर जैसे वह एक सर्वनाम है, रामायण पढ़ चुका, पढ़ना भी एक क्रिया है, रामायण भी एक क्रिया है। अगर वह पढ़ा किसको, तो रामायण को। तो यहां पर क्या हो गया, दो क्रिया यहां पर आता है, पढ़ना उसने पढ़ा, रामायण को पढ़ा, रामायण उड़े हवा। तो दो क्रिया जब एक वाक्य में, संयुक्त क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। कहता है कर्ता जब दूसरे से काम को करवा लेता हो, जब किसी वाक्य में कर्ता अपने काम को किसी दूसरे से करवा लेता है तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। और प्रेरणार्थक क्रिया है तीन कोटि के होते हैं, जैसे आप लोग अंग्रेजी में भर्व एक भर्व दो भर्व थ्री पढ़ते हैं, वह प्रेरणार्थक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा। प्रेरणार्थक क्रिया उस क्रिया को कहते हैं जिसमें कर्ता अपने काम को दूसरे से करवा लेता है, जैसे पढ़ना 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 पढ़ाना पढ़वाना, पढ़ना पढ़ाना पढ़वाना, सुनना सुनाना सुनवाना, खेलना खेलना खिलवाना, बोलना बुलाना बुलवाना। मतलब जब क्रिया दूसरे से करवा लिया जाए तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। चौथा है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया का मतलब होता है एक क्रिया के समाप्त होने पर दूसरी क्रिया प्रारंभ हो। जब एक क्रिया को समाप्त करके दूसरी क्रिया प्रारंभ हो जाए तो उसे हम प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सोता है, एक क्रिया के समाप्त होने के बाद जब दूसरी क्रिया प्रारंभ हो तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सोता है, पहली क्रिया खाना है, वह पहले क्या करता है, खाता है, खाने के बाद सोता है। मतलब एक क्रिया खत्म हुआ खाने का, और जब खाने की क्रिया खत्म हुई दूसरे वह क्या करता, सोता है। तो एक क्रिया के समाप्त होने पर जब दूसरी क्रिया का प्रारंभ हो तो उस क्रिया को हम पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। जैसे वह खाकर सोता है,
या वह पढ़कर पढ़ने के बाद सोता है। और इसका उदाहरण वही पढ़वाना। और पांचवा है विधि क्रिया। विधि की मतलब कानून क्रिया, जिससे आज्ञा देने का बोध हो, वह क्रिया जिसमें जिस वाक्य में आज्ञा देने या आदेश देने का बोध हो, तो उसे प्रेरणार्थक क्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे ठहर जा, घर जा, जिससे आदेश देने का बोध हो, जैसे घर जा, रुक जा, तो इसे क्या कहेंगे? विधि क्रिया। आदेश देने का बोध हो तो विधि क्रिया के नाम से जानते, याद रखेंगे। क्रिया काम करना, जिसे जिस शब्द के अंत में ना लगा हो। क्रिया, क्रिया के वर्गीकरण दो प्रकार हैं, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। रचना के आधार पर दो प्रकार है, सकर्मक अकर्मक, और प्रयोग के आधार पर क्रिया के दो प्रकार है। तो आज की क्लास में इतना ही, पुनः कल एक नए वीडियो लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।